कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल क्वीन ऑफ मेडिसिंस में, जहां आपको मिलती है मेडिसिंस के बारे में कंप्लीट एंड राइट इन्फॉर्मेशन। फ्रेंड्स, अगर आपको मुंह में छाले हो जा रहे हैं या फिर जीभ में छाले हो जाते हैं, माउथ के साइड में कट जाता है या फिर चीक बाइट हो जाता है, मतलब कि आप खाते टाइम भी दांत से कट जाता है, तो इसका इसको कैसे ट्रीट करते हैं, आज इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि कैसे इसको, हाउ टू ट्रीट, और जानेंगे कि इसमें कौन सा ये जो जेल लगाते हैं वो कैसे अप्लाई किया जाता है, किस कंपनी के द्वारा बनाया गया है। तो सारी इन्फॉर्मेशन आपको इसी वीडियो में मिलेगी, इसलिए बिना स्किप किए हुए आप पूरे वीडियो को लास्ट तक देखते रहें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं ओरासोल जेल के बारे में। ये जो ओरासोल जो जेल होता है, इसको बनाया गया है विंग्स फार्मास्यूटिकल कंपनी के द्वारा, और अगर इसके मार्केट प्राइस की हम बात करें तो ये लगभग 78 रुपीज़ में आपको किसी भी मेडिकल स्टोर पर ईजिली मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं कि इसमें केमिकल कंस्टिट्यूएंट कौन कौन से होते हैं, मतलब कि ये इसके कंटेंट क्या इसमें ऐड किया गया है और कैसे ये वर्क करता है। तो इसमें कंटेंट की जब हम बात करते हैं तो इसमें कोलीन सेलिसिलेट 8.7% वेट बाई वेट ऐड किया गया है, और जो दूसरा कंटेंट है वो है लिग्नोकेन 2% वेट बाई वेट ऐड किया गया है। अब जानते हैं इसका यूज़ कहाँ कहाँ पर करते हैं। तो अगर आपके मुँह में छाले हो गए हों या फिर आपके तालू में भी कई बार कट जाता है, छाले हो जाते हैं, माउथ अल्सर हो जाता है, चीक बाइट हो जाता है या दांत में दर्द होने लगता है, इन सारी प्रॉब्लम को सही करने के लिए ये ओरासोल जेल बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होता है। ये डॉक्टर के द्वारा प्रेस्क्राइब किया जाता है। अब हम बात करते हैं कि ये किसको नहीं देना है। तो अगर आपको कोलीन सेलिसिलेट से एलर्जी है, देन आप इस ट्यूब का बिल्कुल भी यूज़ ना करें। या फिर अगर आपके पेट में अल्सर है तो पेट के अल्सर होने पर भी इस आप जेल का बिल्कुल भी यूज़ ना करें। अगर आपको करना भी है तो आप डॉक्टर की सलाह अवश्य लें। अब बात करते हैं कि इसको हाउ टू यूज़, कैसे यूज़ किया जाता है। तो सबसे पहले यूज़ करने से पहले आप अपने हैंड को वॉश कर लें अच्छे से, उसके बाद में आप फिंगर पे थोड़ा सा जेल निकाल करके आपको अफेक्टेड एरिया, जहाँ पे अगर आपके ओट पे हो गया हो, ओट में छाले हो तो वहाँ पे आप लगा सकते हैं, या जीभ में है वहाँ पे लगा सकते हैं, या फिर साइड में जो कट जाता है वहाँ पर भी अप्लाई कर सकते हैं, और कुछ देर इसको माउथ के अंदर ही रखना रहता है। उसके बाद में आप इसको थूक सकते हैं, मतलब इसको सॉलो नहीं करना रहता है। अगर थोड़ा बहुत चला भी जाता है तो बहुत ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बट ये ओरली ही अप्लाई करना रहता है, आप इसको अंदर निकले नहीं, वही बेहतर रहेगा। अब बात करते हैं कि इसके साइड इफ़ेक्ट क्या हो सकते हैं। तो फिलहाल तो ये सेफ़ है, ज़्यादा कोई साइड इफ़ेक्ट इसका नहीं देखा गया है, बट फिर भी आपको रेडनेस या फिर बर्निंग सेंसेशन हो सकता है, मतलब कि आपको थोड़ा सा जलन टाइप से भी महसूस हो सकती है, बट ये थोड़ी देर में आपका सही हो जाएगा, इसलिए इससे घबराएं बिल्कुल भी नहीं। अब बात करते हैं कि ये जो इसमें कंपोनेंट ऐड किए गए थे, ये कैसे वर्क करते हैं, मतलब इस मेडिसिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है। तो कोलीन सेलिसिलेट जो होता है वो एनस्टेट्स क्लास की ड्रग होती है, मतलब कि ये कॉक्स एंजाइम जो होता है हमारे बॉडी के अंदर उसको इनहिबिट कर देता है, जिससे कि ये जो प्रोस्टाग्लैंडिन केमिकल मैसेंजर हमारी बॉडी में होते हैं वो ब्रेन तक मैसेज नहीं पहुंचा पाते हैं कि हमारे माउथ में पेन हो रहा है या फिर स्वेलिंग है या फिर जलन हो रही है, जिससे कि धीरे धीरे फिर आप यूज़ करने के बाद में आपको अच्छा फील होने लगता है और आपका अल्सर भी धीरे धीरे ठीक हो जाता है। वहीं हम जब दूसरे कंटेंट के बारे में बात करते हैं जो कि लिग्नोकेन है, तो ये 2.2% वेट बाई वेट इसमें ऐड किया गया है, और ये जो होता है ये लोकल एनेस्थेटिक की तरह से यूज़ किया जाता है, मतलब कि ये उस जगह को जहाँ पर होता है तो ये आपके ब्रेन तक मैसेज नहीं पहुँचा पाता है, कि पहुँचाने नहीं देता है कि आपको पेन हो रहा है या फिर दर्द हो रहा है या जो छाला है उसमें जलन टाइप से महसूस हो रही है, ऐसे ही ये बर करके आपके छाले को धीरे धीरे ठीक कर देता है। तो ये कुछ खास जानकारी थी ओरासोल जेल के बारे में, आई होप आपको पसंद आई होगी। तो अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे और लोगों तक भी इन्फॉर्मेशन पहुँच सके। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर अभी नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।